नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। श्योपुर आंगनबाड़ी में पोषण आहार के नाम पर दिया जा रहा है घटिया खाना, सेमलदा गांव का मामला। आंगनबाड़ी में पोषण आहार के नाम पर बच्चों को परोसा घटिया खाना, कर्मचारी चुप, वीडियो हुआ वायरल आंगनबाड़ी में। पोषण आहार के नाम पर बच्चों को घटिया खाना परोसा जा रहा है। जिले में अधिकांश आंगनबाड़ियों में बच्चों की संख्या बेहद कम है। जिन आंगनबाड़ियों में थोड़े बहुत बच्चे आते हैं उन्हें भी निम्न स्तर का भोजन परोसा जा रहा है। इसी कड़ी में शुक्रवार को आंगनबाड़ी केंद्र सेमलदा में बच्चों को पानीदार आलू की सब्जी, जिसमें आलू सिर्फ नाम का था, सब्जी में पानी भरा हुआ था, वही घटिया स्तर की पूड़ी बच्चों को बांटी गई। इस संबंध में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सुपरवाइजर से पूछे जाने पर उन्होंने मौन साध लिया। फिर दूसरी बार सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि ठेकेदार खाना बांटता है, हम क्या कर सकते हैं। इस पूरी घटना का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, परंतु जिले के कलेक्टर जिम्मेदारों का इस ओर ध्यान नहीं है। श्योपुर से संवाददाता नौशाद अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। पूड़ी और सब्जी मिलती है, देखो टोटल पानी पानी है इसमें, ना तो तेल है ना कुछ मसाला, कुछ भी नहीं है। ये देखो अभी लेके आई है ये बच्ची।